हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोनू कुकिंग बैंक में। तो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ बनाने गोभी के पराठे, फूल गोभी के पराठे तो बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड। और आपको फूल गोभी के पराठे पसंद है या बंद गोभी के पराठे पसंद है या आलू के पराठे पसंद है, आप किसके पराठे सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हो ठंडियों में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ले लिया है फूल गोभी, आप देख सकते हो ये साफ सुथरी एकदम मस्त वाली है जिसमें कीड़े नहीं हो, आप देख कर लेना। उसके बाद ऐसी गोभी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इसको छोटे वाले जो कद्दूकस होता है ना, उससे कद्दूकस कर लेना। इसमें जो बारीक डंठियाँ होती है नरम वाली ना, उसको भी कद्दूकस कर लेना आप, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो डंठियों में थोड़ा सा मीठापन होता है वो भी आ जाएगा इसमें। एकदम कड़क वाली डंठी नहीं आपको करनी है, जो गोभी के अंदर जो थोड़ा सा नरम वाली डंठी होती है ना, उसको आप इसमें कद्दूकस कर सकते हो, वरना बस आप फूल गोभी कद्दूकस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो फूल गोभी के अंदर जो नरम वाली डंठी होती है उसकी मैं उसको भी कद्दूकस कर दे रही हूँ, उसमें भी एकदम मीठापन स्वाद होता है इसलिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हो ये आधा किलो गोभी है, तो इसको मैं आधा किलो में बस थोड़ा सा निकाल दूंगी, बाकी सभी के सभी गोभी का मैं कद्दूकस यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो दो फूल छोटे छोटे मैंने निकाल लिए हैं आधा किलो गोभी में, और बाकी सभी कद्दूकस कर लिया। इसको अच्छे से मैंने धुल लिया था पहले, साफ से देख लिया था कहीं कीड़े तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस करा है थोड़ा सा सूख जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला है, और उसके बाद इसमें हरी धनिया डाल के इस तरीके से हम पीस कर निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे कढ़ाई को गर्म होने के लिए, उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम राई यानी थोड़ा सा सरसों डालेंगे। उसके बाद जो हमने पीस कर निकाला है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम डालना। यहाँ पे मैंने उसमें धनिया भी डाल दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्च पड़ी हुई है, तो मिर्च थोड़ा सा कम ही है, लेकिन यहाँ पे धनिया डाला था ना हरी वाली, इसी वक्त तो ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को। तो मिर्च जब थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद तुरंत की तुरंत जो गोभी हमने रखा है उसमें से पानी निकाल कर निचोड़ कर ही हमें इसमें डालना है, क्योंकि ये हम पराठा बनाएंगे इसका। तो जब हम पराठा बनाएंगे तो ये जो गीला गीला बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा पराठा बनेगा नहीं, इसलिए इसका जो भी पानी जितना इसमें है उसको अच्छे से निचोड़ कर हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी एकदम सूखा सूखा निकल जा रहा है इस प्रकार से, और इसको हम चम्मच की हेल्प से चला देंगे, मतलब कि मिक्स कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और जो भी आपके पास जो भी आप टेस्ट में खाना चाहते हो वो इसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी, उसके बाद यहाँ पर मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला है फ्रेंड ये दो प्रकार के। उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे फ्रेंड, नमक अगर अभी हम डाल देंगे यहाँ पर तो इसमें पानी छोड़ देगा, फिर ये बहुत गीला गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे नमक बिल्कुल भी मत डालना फ्रेंड, वरना फिर अच्छा बनेगा नहीं। अभी आप देख सकते हो इसका जो पानी निकला हुआ है ना, इसको अगर आप अच्छे से स्वाद लेना चाहते हो तो इसको एक छन्नी से छान लेना, और इसका पानी जब हम आटा गूंथेंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डाला था हरी मिर्ची वो थोड़ा सा फीकी थी, यानी कम, मैंने थोड़ा सा चखा तो मुझे कम लगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा तीखापन आए, टेस्ट लगे अच्छे से, क्योंकि हमारे मेरे घर में स्पेशली तीखा खाते हैं सब लोग। अगर आपके घर में नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसको एक बार मैंने भाप लगा दिया था तो ये हो चुकी है। अब इसको हम उतार देंगे, मतलब कि ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। तो इसको मैंने गैस पर से उतार दिया है। अब हम चटनी के साथ पराठा खाएंगे, तो उसके लिए मैं टमाटर की यहाँ पे बहुत ही अच्छी चटनी बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। आप देखते हुए हो वीडियो को पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपके घर में कौन से पराठे ठंडियों के दिनों में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मनपसंद से खाए जाते हैं। इस प्रकार से हम टमाटर को भूनकर उतार लेंगे अच्छे से, ठंडा होने देंगे। तब तक जब तक ये टमाटर हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे आटा गूंथने की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा में हमें सबसे पहले नमक ऐड करना है करीब आधा चम्मच, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हो आप। उसके बाद जो आपने गोभी का पानी निचोड़ा था ना, उसको यहाँ पे आपको डाल देना है, क्योंकि इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और आपका जो है वेस्ट नहीं जाएगा, प्रोटीन वगैरह जो भी गोभी में हमारे है वो हमें पराठे के रूप में आ जाएगा हमारे पेट के अंदर। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इसको गूंथ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से हमें आटा को गूंथ लेना है।
तो इसका डो ना थोड़ा सा बहुत कड़क भी नहीं चाहिए, बहुत नरम भी नहीं चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो कहीं कहीं पे रोटी जो सख्त आटे की बनाई जाती है, कहीं पे नरम आटे की बनाई जाती है। तो आपको थोड़ा सा रोटी जैसा आप बनाते हो उससे थोड़ा सा नरम ही रखना है आटा, जिससे क्या होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए फ्रेंड। सख्त होगा तब भी फटने का डर रहता है, नरम रहता है तब भी फटने का डर रहता है पराठा। तो आप जिस हिसाब से मतलब कि मैं बनाऊंगी, जिस हिसाब से मैं आटा का डो दिखाऊंगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे गूंथ लेना। तो आप वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया थोड़ा, जिससे आपका समय की बचत हो। तो आप देख सकते हो कि वीडियो को मैंने फास्ट करके दिखा रही हूँ कि थोड़ा 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 पानी ऐड करके मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। इकट्ठा पानी नहीं डाल रही हूँ जिससे ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो इस प्रकार से आटा को अच्छे से गूंथ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हाथ में लगाना है रिफाइंड ऑयल, जिससे कि इसमें चिकनाहट हो आटे में अच्छे से। और उसके बाद इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो इस प्रकार से हम आटा को यहाँ पे चिकना कर रही हूँ, देख सकते हो आप। यहाँ पे आटा इतना आपका नरम होना चाहिए, यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें हम नमक ऐड अभी तक नहीं किए हैं, अब यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारा 10 मिनट हो चुका है, ये भी हमारा हो गया है रेडी। तो यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे, अभी चटनी नहीं बनी है फ्रेंड। तो इसको थोड़ा सा नमक डाल के रेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमारा आटा गूंथा वो अभी तक रेस्ट करेगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टमाटर है उसके छिलके उतार लेंगे, क्योंकि ये भी ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो आप एक और मैंने टमाटर की चटनी बनाई है फ्रेंड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो भी दूसरे तरीके से मैंने बनाया है, वो भी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से भी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपको जो पसंद आए उस हिसाब से बना सकते हो आप अपने घर में। तो यहाँ पर बस मिक्सी में मैं टमाटर जो है अच्छे से थोड़ा सा निकाल लूँगी, इसमें जो भी काला काला लगा हुआ है वो सारी चीज़ें। उसके बाद अच्छे से इसको काट के हम डाल देंगे मिक्सी जार में, और अच्छे से हम इसको पीस कर निकाल लेंगे बारीक। उसके बाद रखेंगे एक पतीला, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टमाटर का पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देंगे, और इसको एक दो मिनट के लिए हम इसको उबाल आने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला देंगे एक दो मिनट के लिए, थोड़ा सा उबाल आ जाए मतलब कि। और जैसे उबाल इसमें आना स्टार्ट हो जाए, वैसे हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे फ्रेंड। आप टमाटर की चटनी खाना पसंद करते हो कि नहीं, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं 4 टमाटर के लिए 4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लेना। कभी कभी क्या होता है, टमाटर खट्टे होते हैं तो चीनी ज़्यादा लग सकती है, टमाटर मीठे होते हैं तो चीनी कम लग सकती है। तो टमाटर जैसे होता उस हिसाब से हमें यहाँ पर चीनी डालनी पड़ेगी। यहाँ आप देख सकते हो चीनी मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, और यहाँ पे हल्दी भी डाल दिया है, और यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स और डालना होगा, जो इसके बिना ये टमाटर की चटनी अधूरी है। ये है हमारा नींबू पाउडर, जिसे हम बोलते हैं। ये अगर आप डालते हो ना, तो आप मार्केट का जो सॉस लेकर आते हो ना, उससे लाख गुना अच्छा ये बनेगा। घर का टमाटर का सॉस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ज़रूर आप लोग इस प्रकार से बनाइए फ्रेंड। और आप कोई भी पराठा, कोई भी समोसा चटनी के साथ आप इस चटनी को सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है ये नींबू पाउडर डालने की वजह से इसमें। तो इसको मैंने उतार दिया है अभी, और हमारा रेस्ट के लिए हमने जो आटा रखा था, डो रखा था आटा का, वो हो गया रेस्ट कंप्लीट। इसका हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो आप देख सकते हो जो हमारी रोज की रोटी की लोई होती है उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, मतलब कि यहाँ पे डेढ़ रोटी की लोई आप ले सकते हो। उसको इस प्रकार से गोल गोल करना है आपको, बीच में गड्ढा बनाना है मतलब कि थोड़ा सा, जिसमें कि हम स्टफिंग भर सकें गोभी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस प्रकार से बना रही हूँ, और यहाँ पे हम स्टफिंग भरेंगे चम्मच की हेल्प से। तो चम्मच मैंने रखा है बड़ा वाला, और यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से हम भर देंगे। मतलब स्टफिंग अगर कम रहेगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा पराठा का फ्रेंड। तो स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है तो खाने में मज़ा आता है। तो इस प्रकार से हम इसको दबाते हुए स्टफिंग को अच्छे से भर लेंगे इसमें। तो इस प्रकार से आप गोभी के पराठे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने घर में बनाइए आप, और सबको खिलाइए, पसंद आएंगे बहुत ज़्यादा। स्पेशली चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इस प्रकार से हम इसको राउंड राउंड करके इसका मुंह बंद कर देंगे, और यहाँ पे हमारा तवा हो गया गरम। इसको आँच को मैंने कम कर दिया है अच्छे से गरम करने के बाद, और हम इस प्रकार से बीच से थोड़ा सा दबाते हुए चारों तरफ स्टफिंग को फैला लेंगे। उसके बाद अलट पलट करके दोनों तरफ से फैलाएंगे, जिससे कि चारों तरफ स्टफिंग अच्छे से फैल जाए
और आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो, फैला सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आप बेलन चलाओगे तो फटने का डर रहता है पराठा, तो थोड़ा से हाथ से इसको फैलाना होता है। और यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉलीथीन रखा है, मतलब कि कागज वाली जो आती है उस, जिससे हमारा चकला इधर उधर भागे ना, वरना फिसलता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कागज वाली पॉलीथीन आती है उससे फिसलता नहीं, इसलिए मैं इसी को लगाकर रोटी ज़्यादातर बनाती हूँ। और जो भी हमारा आटा गिरता है ना, तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, उस पर गिरता है और नीचे जो है थोड़ा साफ ही रहता है फिर। और इस प्रकार से हम उसको झटक लेते हैं, मतलब कि बाहर कहीं पर, तो इस प्रकार से हम देख सकते हो बेल कर अच्छे से तैयार कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से बेल लेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत हल्का हल्का दिखता है, इससे कुछ होता नहीं फ्रेंड। और ये जब पूरा स्टफिंग भरी रहती है ना, तो बहुत खाने में मज़ा आता है। इस प्रकार से देख सकते हो, एक पराठा मैंने डाल दिया, दूसरा हम इस प्रकार से स्टफिंग फिर से भरेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो, इसको मैंने थोड़ा पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जब एक साइड का थोड़ा सा जब आँच, मतलब स्टार्टिंग में आपको आँच ज़्यादा कर रखनी रहेगी, उसके बाद जैसे आप तवे पर पराठा डालते हो वैसे आँच आपको थोड़ा सा कम कर देनी है, बहुत कम नहीं करनी, थोड़ा सा कम करनी है, मतलब कि मीडियम रखना है। उसके बाद इसको पलट देते हो, फिर यहाँ पर आपको आँच थोड़ा सा ज़्यादा करनी है, पीछे की साइड अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं पीछे की साइड पराठा रखने की तैयारी कर रही हूँ कागज रख कर। उसके बाद जब एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड पलट पलट कर आपको इस प्रकार से पराठे को अच्छे से होने देना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं पराठे को पलट रही हूँ, दूसरी तरफ स्टफिंग भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं स्टफिंग भर कर, क्योंकि उस टाइम हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर हम एक चीज़ करेंगे तो, इसलिए साथ में पराठे और स्टफिंग दोनों चालू रहेगी। जिसको मैंने पलट दिया है, देखना ध्यान देना आप लोग, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रहनी चाहिए हमारे पराठे में, थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही आपको पराठे होने देना है, तो जिससे हमारा पराठा कच्चा भी नहीं रहता और अच्छे से पक भी जाता है। और ज़्यादा ज़्यादा जला हुआ भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पराठा बहुत ज़्यादा जला हुआ दिखता है तभी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा कच्चा दिखता है अगर कम, जैसे कम आँच पर आप बनाते हो, पकने को तो पक जाता है, पर जब वो सूखता है तेल लगा होने की वजह से ना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा जैसा दिखता है, पर कच्चा होता नहीं है, पर धीम जब कम आँच पे आप सेकते हो तो ऐसा दिखता है। मीडियम पे रहता है तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ऐसा जो दाग आता है ना, उससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। हमारे घर में स्पेशली ऐसा खाया जाता है, अगर ज़्यादा कच्चा कच्चा रहता है तो सबको पसंद नहीं आता कि बहुत ज़्यादा कच्चा दिखता है। तो आप देखना आपके घर में कैसा पसंद है, उस हिसाब से आपको खिलाना चाहिए अपने परिवार वालों को। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जला हुआ भी नहीं है। आपको मैं इसको बहुत भी बारीकी से दिखा दे रही हूँ, देख सकते हो आप। किसी किसी घरों में फ्रेंड बिल्कुल भी रोटी पे दाग नहीं आनी चाहिए, ऐसा है, खाते हैं तो जैसे आपके घर में पसंद है वैसा आप बना के खिला सकते हो आपको अपने घर वालों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा पराठा के लिए मैं स्टफिंग यहाँ पर भरकर तैयार कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको इसका मुंह बंद कर देना है और अच्छे से राउंड राउंड करके मुंह बंद करना है, जिससे कि बिल्कुल भी निकले ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला पराठा बनाया है, सेम टू सेम वैसा आपको सारे के सारे पराठे बना लेने हैं भरकर। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से चारों तरफ स्टफिंग को फैला लेना है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट। और अगर आपको कमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ लिखने में, तो ब्लू हार्ट, रेड हार्ट, येलो हार्ट कुछ भी भेज सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पराठे मेरे बेलकर तैयार हो गए हैं, दूसरा वाला भी। और थोड़ा सा अगर आपको चिपकने लगे पराठा तो यहाँ पे आप लगा सकते हो आटा थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम अच्छे से पराठे को बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसको उसी प्रकार से सेम टू सेम बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे पराठा हमारा डल चुका है, और यहाँ पे वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि सेम टू सेम पराठा वैसे ही बनाना है फ्रेंड, जैसे हमने पहला वाला बनाया है। और स्टफिंग साथ साथ में भरते रहना है, जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो और साथ में आप करते चलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो तेल यहाँ पे आप मैं लगा दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और चम्मच का हेल्प नहीं लिया मैंने, यहाँ पर हाथ से ही मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हो ये पराठा फूल चुका था, देख सकते हो कितना अच्छा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड, और प्लीज़ 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 दूसरा वीडियो जब आएगा इसके बाद वाला, उसको भी क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, आप वीडियो सबसे पहले देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।